सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। आज का पंचांग 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 12:12 तक रहेगी। कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:30 से 9:10 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मकर राशि। आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए बहुत कम साधन उपलब्ध होंगे और इससे आपके काम में बाधा पहुंचेगी। इससे परेशान ना हो, आपको दिन के अंत तक अपनी पसंद का काम और साधन दोनों ही मिल जाएंगे। आप प्रकृति से ही मेहनती हैं और आप जिम्मेदारियों के और स्वतंत्रता का भी आनंद लेंगे। आज के दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आज आप जिस भी काम को करने की सोचेंगे उसमें शुरुआत में रुकावट अवश्य आएगी, लेकिन बाद में वह काम पूरा होगा। यदि आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है तो उसे और लंबे समय तक के लिए ना टालें, उसे पूरे करने की पूरी कोशिश करें। यदि आप किसी संपत्ति का क्रय विक्रय करने जा रहे हैं तो उसके चलते वह अचल पहलुओं को सावधानी से जांच लें, नहीं तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से भी आज आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। अपने उम्र के लोगों के बीच आप अपनी छवि को 4 चांद लगा जाएंगी। अपने उम्र के लोगों के बीच आज आपकी छवि को 4 चांद लग जाएंगी। आज कुछ नई जिम्मेदारियां न सिर्फ आपके लिए आएगी बल्कि इनाम भी लेकर आएगी। अपनी इस पहचान और सम्मान का पूरा मजा ले, लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी भी तरह अपनी छवि धूमिल न होने दें। आज के दिन खूब मजा करने का है, इसका पूरा लाभ उठाएं। इस समय आपको अपनी रोज की दिनचर्या से छुट्टी लेना चाहिए। आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हैं। अगर अभी आपने घूमने जाने के बारे में नहीं सोचा है तो आप सोच लें और किसी पिकनिक का आयोजन कर सकते हैं। सावधानियां। आपको आज सतर्क रहने की आवश्यकता है, कहीं चोट या दुर्घटना हो सकती है, अपना ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध पर जिद्दीपन को हावी न होने दें। आपका पार्टनर समझौते के मूड में नहीं है, इसलिए आपको ही समझदारी और लचीली रवैये से काम लेना होगा। आपके इस कदम से आपके रोमांटिक लाइफ में भी सुधार आएगा। आपके पार्टनर को भी आपके दोस्ताना अंदाज का एहसास होगा। अर्थपूर्ण भाव गंभीरताओं से अपने पुराने संबंध को एक नया अर्थ देने की कोशिश करें। बात करते हैं करियर की। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। आज आप अपने निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं, वहां से भी धन प्राप्ति का शुभ संदेश मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपको आज अपनी शारीरिक शक्ति की
परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपकी गर्दन और कमर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। जिनको पहले कभी कोई चोट लगी होगी या गठिया पाए से परेशान व्यक्तियों को ज्यादा तकलीफ महसूस हो सकती है, इसीलिए आज कोई अधिक शारीरिक मेहनत वाला काम ना करें। आज आपको आराम करना चाहिए। आप हल्का फुल्का योग कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा किसी की देखरेख से करना चाहिए। आज का उपाय, आज जब शंकर भगवान जी को नारियल चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।